एक बार रुक कर लेते हैं सिद्धार्थ नगर जिले की खबर का। सिद्धार्थ नगर जिले के सोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के खेरी शीतल प्रसाद गांव के पास से बह रही बूढ़ी राप्ती नदी में एक मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। मामला 30 जून दोपहर का है, जब बूढ़ी राप्ती नदी के पास ग्रामीण अपने खेतों की तरफ गए तो देखा कि लगभग 15 फीट लंबा एक मगरमच्छ नदी के बीच में जा रहा है। इस बात की जानकारी ग्रामीणों के बीच आग की तरह फैली, जिसके बाद से लोग भयभीत हो गए और नदी की तरफ जाने से बच रहे हैं। इस मामले को लेकर जब हमने गांव के एक युवक रामवृक्ष से बात की, उसने बताया कि बीते कल एक मगरमच्छ नदी में देखा गया। ये मगरमच्छ लगभग 15 फीट लंबा था, जिसके बाद से गांव के लोग भयभीत हो गए। अभी तक नदी के उस पार सब्जियों की खेती की वजह से नदी पार करके चले जाते थे, लेकिन अब डर से वहाँ भी नहीं जा रहे हैं। घर के जानवरों को पानी भी पिलाने के लिए नदी में नहीं ला रहे हैं। खैरी शीतल प्रसाद, मगरमच्छ आपके गांव में? हाँ, यहाँ नदी में कल बहुत बड़ा दिखा हुआ है, इसके लिए कोई उस पार जाता भी नहीं है। अच्छा। और कोई भैंस भी नहीं ले जाता पानी पिलाने के लिए, बहुत दिक्कत हो गया, सब लोग डर गए हैं। अच्छा। हाँ, अभी इसके लिए कौन सी नदी है यहाँ? ये राप्ती नदी है, बूढ़ी राप्ती है। अच्छा, बूढ़ी राप्ती में? हाँ हाँ, बूढ़ी राप्ती में सब लोग देखे। बहुत बड़ा, कम से कम 15-16 फुट के आसपास था। अरे इतना बड़ा? हाँ, इतना बड़ा था। तो क्या परेशानी हो रही है अभी? उसको डर से कोई नदी में जाता नहीं है अभी। उस तरफ भाजी का खेती है, परवल का, तो तोड़ने के लिए भी नहीं कोई जाता है डर से। हाँ, पानी भी नहीं पिलाता, कोई भैंस को भी नहीं लेके आता है। अच्छा। बहुत दिक्कत हो गया, सब लोग डर गए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।